हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी लर्निंग की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो जूनियर एडेड जूनियर टीचर्स की जो वैकेंसी आई हुई है, उसके लिए मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो आपको पता है कि इसमें जो है कि कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, 150 क्वेश्चन आने वाले हैं, और इस 150 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन जो रहेंगे वो जनरल स्टडीज के रहेंगे, बाकी जो क्वेश्चन 100 क्वेश्चन रहेंगे वो सब्जेक्ट से रहेंगे। और अगर आपका साइंस सब्जेक्ट है तो फाइबर टू फैब्रिक जो है एक टॉपिक है, और इसी तरह से और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जिन पर मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको बारी बारी से कराती जाऊँगी। और इसमें मैं साइंस के पूरे सिलेबस को कवर करूँगी। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंथेटिक फाइबर। तो फाइबर टू फैब्रिक जो है क्या है, फाइबर से कैसे फैब्रिक बनते हैं, इस प्रोसेस में हम सारी चीज़ें पढ़ते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है कि सिंथेटिक फाइबर कौन से होते हैं, सिंथेटिक फाइबर वो होते हैं जो मैनमेड होते हैं, जो कि नेचुरली प्राप्त नहीं होते। तो यहाँ पे हो जाएगा नायलॉन, रेयन, पॉलिएस्टर, ऑल ऑफ दीज, यहाँ पे हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज ए नेचुरल फाइबर, सिल्क, नायलॉन, रेयन, ऑल ऑफ दीज। तो देखिए, यहाँ पे नायलॉन और रेयन जो है क्या है, ये सिंथेटिक फाइबर है, जबकि सिल्क जो है यह जो है नेचुरल फाइबर है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्लॉथ आर मेड अप ऑफ थिनर एंड थिनर स्ट्रैंड कॉल। जो क्लॉथ हैं हमारे, जो हमारे कपड़े हैं, या तो वो एनिमल फाइबर से या तो प्लांट फाइबर से बने होते हैं, और ये जो फाइबर हैं, ठीक है, ये जो फाइबर हैं हमें जो प्लांट से प्राप्त होते हैं, ये छोटे छोटे धागे के रूप में होते हैं, और इनकी जो है वीविंग करके इनसे क्लॉथ बनाई जाती है। पहले तो इनसे यार्न बनाए जाते हैं और यार्न से क्लॉथ बनाई जाती है। सेपरेशन ऑफ फाइबर ऑफ द कॉटन फ्रॉम इट्स सीड इज नोन एज। तो जो सेपरेशन होता है फाइबर्स का, जो कॉटन के प्लांट होते हैं, आपने देखा होगा कपास का प्लांट या कॉटन का प्लांट, कॉटन का प्लांट आपने देखा होगा, उसमें क्या होता है कि कॉटन निकलता है, उसमें सीड भी होते हैं। तो उसके पहले तो हम कॉटन की हार्वेस्टिंग करते हैं, हार्वेस्टिंग करने के बाद जो है हम उसे सीड को अलग करते हैं, और कॉटन की हार्वेस्टिंग के बाद सीड को उससे अलग करने के प्रोसेस को निटिंग कहते हैं, और वीविंग और निटिंग जो होता है, गिनिंग कहते हैं, गिनिंग और वेविंग और निटिंग जो होता है ये सेम होता है, जिसमें कि जो यार्न हम बनाए होते हैं, जो फाइबर हम बनाए होते हैं, उससे वीव करके हम जो है क्लॉथ बनाते हैं। तो उससे जो है हम वेविंग करके हम उससे जो है क्लॉथ बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूट फाइबर आर ऑब्टेंड फ्रॉम स्टेम ऑफ द जूट प्लांट, सीड ऑफ द जूट प्लांट, फ्रूट कवरिंग ऑफ द जूट प्लांट, रूट ऑफ द, तो स्टेम ऑफ द जूट प्लांट, जो जूट प्लांट का स्टेम होता है उससे हम प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है, वेविंग ऑफ फाइबर फैब्रिक इज डन इन, जो वेविंग होती है फैब्रिक की, मीन्स की जो क्लॉथ हम बनाते हैं वीव करके, तो वो कहाँ पर होता है, हैंडलूम, ये भी एक फैक्ट्री है, और पावर लूम्स, ये भी एक फैक्ट्री है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी जो है करेक्ट है, ए और बी, हैंडलूम और पावर लूम दोनों ही करेक्ट है। नेक्स्ट है, विच वन इज स्पिनिंग डिवाइस, स्पिनिंग डिवाइस क्या होता है, और इसमें से कौन सा जो है एक स्पिनिंग डिवाइस है, टकली, लूम या चरखा। तो राउंड राउंड जो घूमता है इसे टकली भी है और चरखा, ये दोनों जो है स्पिनिंग डिवाइस है, इससे स्पिनिंग से हम जो है यार्न बनाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लांट फाइबर, वूल, सिल्क, कॉटन, नायलॉन। इसमें से कौन सा जो है कि एक प्लांट फाइबर होता है, प्लांट फाइबर जो होता है, इसमें से कॉटन जो है प्लांट फाइबर है, बाकी नायलॉन सिंथेटिक फाइबर है, सिल्क और वूल जो है एनिमल फाइबर है। नेक्स्ट है, द राइट टाइम टू कट जूट प्लांट इज, जूट के प्लांट की कटिंग हम कब करते हैं जिससे कि हमें अच्छी मात्रा में जूट फाइबर मिले। तो मैच्योर स्टेज बिफोर फ्लावरिंग स्टेज, फ्लावरिंग स्टेज एनी टाइम आफ्टर फ्लावरिंग। तो ये होता है फ्लावरिंग स्टेज पे हम जो है जूट प्लांट की कटिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो थे हमारे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे। आपको वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिए, जिससे कि सारे साइंस के सारे टॉपिक के वीडियो आप तक पहुँच जाएँ। धन्यवाद।